हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिजिक्स में कुछ धमाकेदार ट्रिक के साथ आया हूँ कि सदिश और अदिश राशि में कैसे आप भेद स्पष्ट करेंगे। ये रेलवे में, एसएससी में, टीजीटी पीजीटी किसी चीज़ में कहीं भी एग्जाम देने आप जाएंगे तो अक्सर आपको सदिश अदिश राशि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है, निम्न में से कौन अदिश राशि है, और बहुत सारे भौतिक राशियां हैं उसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं। आज मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप लाइफ टाइम अगर सदिश अदिश से क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित रूप से आप मिस नहीं करेंगे। ऐसा सदिश का एक ट्रिक दूंगा, सिंपल ट्रिक, और उस ट्रिक के माध्यम से आप सदिश और अदिश राशि को कभी नहीं मिस करेंगे। अगर पूछेंगे तो, अगर पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आपसे मिस नहीं होगा। वो ट्रिक क्या है तो सदिश अदिश का सबसे पहले मैं वर्गीकरण कर लेता हूं और सिंपल ट्रिक बताऊंगा। लाइफ में कभी नहीं ऐसा ट्रिक आप सुने होंगे, और अगर मेरा ट्रिक पसंद हो जाए, आपको ऐसा लगे कि रियल में ऐसा ट्रिक कभी नहीं सुना था और ये ट्रिक हमको कंफ्यूजन सदा के लिए दूर करा दिया, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर निश्चित रूप से करेंगे। 3 से 4 को कम से कम शेयर करेंगे अगर आपको यूनिक ट्रिक लगे तो। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि शायद यूट्यूब में कहीं ऐसा ट्रिक नहीं पड़े होंगे, इतना इजी ट्रिक कि आपको सदा के लिए कंफ्यूजन दूर करा देगा। जैसे मैं भौतिक राशि बच्चों से कुछ को लेता हूं कि कुछ अदिश होते हैं अदिश और कुछ राशि होते हैं सदिश। सदिश इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। अब कौन सा मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं भाई, जो कि मैं आपको बोल रहा हूं लाइफ टाइम आप कभी नहीं कंफ्यूज करेंगे। व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज विच क्वांटिटी इज स्केलर एंड विच क्वांटिटी इज स्केल वेक्टर, कैसे आप पहचानेंगे, बड़ी इजी वे से पहचान लेंगे। मैं आपको भौतिक राशि का एकमात्र ट्रिक दे रहा हूं कि जिसमें व या ब रहे, जिस भौतिक राशि में व या ब रहे उसको सदिश में भेज देना है। मैं क्या बता रहा हूं, जिस भौतिक राशि में व रहे या ब रहे इसका कोई भी ककर आ रहे, आधा वाला नहीं पूरा, आधा व ये वाला मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं व व का कोई ककर आ, व सही का व दुर्गो का व सही का व दुर्गो का व व खाली सिर्फ सिंपल रहे या ककरा के साथ रहे, व और व वाला सब सदिश राशि हो जाएगा। अब ऐसा ट्रिक तो आप नहीं पढ़े होंगे, ना ट्रिक पढ़े होंगे ना यूट्यूब में आप ट्रिक देखे होंगे कभी, और मुझे विश्वास है कि आपको यूनिक ट्रिक लगेगा, और यूनिक लगेगा तो यह भी विश्वास है गुरु दक्षिणा के रूप में आप शेयर जरूर करेंगे। तो अदिश राशि का क्या हो जाएगा, वो सदिश का व और व वाला जितने भी भौतिक राशि आप पढ़े होंगे लाइफ में सब सदिश में होगा। जैसे कि व से विस्थापन, व वाला मिल गया, डिस्प्लेसमेंट, फिर व से वेग, वेलोसिटी, व से बल, व से बल, व ब दोनों में बोल रहा हूं, व या ब, व से बल फोर्स, समवेग, समवेग यहां देखिए व वाला आ गया राशि, मोमेंटम, मोमेंटम, और भौतिक राशि आप लोग लीजिए, आवेग, आवेग, और लीजिए राशि संवेग, संवेग, आवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंपल्स, क्या बोलते हैं, इंपल्स। और कौन सा भौतिक राशि आप लेंगे जो कि वो बोला है, आप लोग कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, प्रवणता, अगर आप प्रवणता लेते हैं, प्रवणता, प्रवणता पढ़ेंगे दो तरह का, बराबर दो तरह का प्रवणता यूज करते होंगे, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता, वेग प्रवणता, व का भरमार है, वो भी है, वो भरमार है ना, वो इसमें भी है, आपको विद्युत धारा मिल गया एक वो वाला ना, आवेश। अब मैं बता रहा हूं एक कहानी,
भगवान ने दो तरह का आदमी बनाया, एक पुरुष एक नारी ना, पुरुष का लिंग जिसमें था वो पुरुष का, और स्त्री का लिंग था तो स्त्री लिंग था ना। लेकिन बाद में कुछ ऐसे आदमी धरती पर पैदा ले लिए जिसमें ना तो पुरुष का लिंग था ना स्त्री का लिंग था, कन्फ्यूजन डालने के लिए पुरुष होगा कि स्त्री होगा, ठीक ना। तो ये नियम को बताने के लिए उसको बाद में किन्नर कह दिया गया, कह दिया गया ना। उसी तरह ये मेरा ट्रिक के लिए कुछ किन्नर पैदा हो गया है, ठीक ना। उस किन्नर को मैं बगल में लिख देता हूँ, जिसमें कौन होगा, आवेश विद्युत धारा आवेश विद्युत धारा विभव विभव जड़त्व आघूर्ण आवृत्ति घनत्व विभव विभवांतर एक ही चाहिए। ये किन्नर है हमारे ट्रिक के लिए, ये हमारे ट्रिक के लिए क्या है, किन्नर है। मैं इसकी कहानी बाद में बताऊंगा, इसको रहने दीजिए। बाकी अब कोई भी राशि लीजिए, आप बाकी कोई राशि लीजिए। ये तो वाला सब किस में आ गया, सदिश में। बाकी अब दूसरा चलते हैं, वो जिसमें नहीं होगा, जैसे कि दूरी डिस्टेंस वो है नहीं। क्या हो जाएगा, अदिश चाल वो है नहीं। क्या हो जाएगा, अदिश समय वो है नहीं। क्या हो जाएगा, अदिश द्रव्यमान वो है नहीं। आधा को नहीं मैं बोला हूं, मैं हमेशा बोला हूं आधा वाला नहीं लेना है, ठीक ना, पूरा लेना है, पूरा देखना है, आधा से मतलब नहीं है। द्रव्यमान मास ये क्या हो जाएगा, ये प्रवणता को इंग्लिश में ग्रेडियंट बोलते हैं, GRADIENT। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। द्रव्यमान मास हो गया, आयतन आयतन वो है क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल प्रश्न क्या बोला रहे, क्षेत्रफल। अच्छा इसके लिए भी एक लाइन में तैयार कर देता हूं, क्षेत्रफल यहां किन्नर तैयार होगा, ठीक ना। वह है नहीं है, लेकिन ये भी किन्नर है मेरे ट्रिक के लिए। क्या है मेरे ट्रिक के लिए, किन्नर है, ना लड़का ना लड़की है, इसका कहानी में बता रहा हूं क्यों। और बोलिए और कोई राशि, ताप वह है नहीं है, क्या हो जाएगा, कार्य ऊर्जा कार्य वर्क वो है नहीं, क्या हो जाएगा, ऊर्जा ऊर्जा कहो ऊष्मा कहो एक ही चीज है, ऊर्जा कहो ऊष्मा कहो ये सब बोलो वो है नहीं। अब ऊर्जा में दो तरह का ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, उष्मा में एक होता है विशिष्ट उष्मा विशिष्ट उष्मा। अब कहिए सर ये तो वो आ गया, नहीं ये वो नहीं है एक्चुअल में, उष्मा एक विशिष्ट उष्मा आप डेफिनेशन जानते होंगे, एक किलोग्राम पदार्थ के लिए ये आता है और कुछ नहीं होता। विशिष्ट ये वो अलग कुछ नहीं, उष्मा का विशेषण विशिष्ट लग गया है कि पदार्थ का निश्चित मात्रा जब लेने लगते हैं तब विशिष्ट उष्मा आ जाता है, ठीक ना। इसलिए ये वो अलग को विशिष्ट अलग को भौतिक राशि नहीं है, भौतिक राशि में होना चाहिए, विशिष्ट को अलग से भौतिक राशि नहीं है, तो उष्मा ही है ये, ठीक ना। विशिष्ट उष्मा है वो उष्मा ही है, एक किलोग्राम पदार्थ का तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उष्मा चाहिए, जो उष्मा चाहिए तो उसमें न होगा, तो उसको विशिष्ट कहते हैं। विशिष्ट मतलब एक किलोग्राम, विशिष्ट कहते हैं कुछ नहीं होगा, एक किलोग्राम का तापमान एक डिग्री के लिए ले जाता है, ठीक ना, तो उष्मा ही हो गया। तो देखिए किसी में वो है नहीं है, ये विशिष्ट को भौतिक राशि नहीं है, उष्मा का एक विशेषण है, ठीक ना, इसका डिफिनेशन निश्चित मात्रा के लिए कहलाने के लिए आता है। और कोई भौतिक राशि लीजिए, शक्ति में वो है क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। और बोलिए दाब, अब देखिए एक बच्चा दाब, ये भी किन्नर जोड़ा में चल जाएगा, दाब दाब ठीक ना। अब मैं कहानी बताता हूं
कि क्या मेरा किन्नर क्या करेगा यहाँ, ये मेरा किन्नर यह वास्तव में किन्नर है। तो आप एक बात जान लें कि किन्नर में भी लड़का और लड़की होता है, किन्नर हाँ किन्नर में भी लड़की वाला किन्नर अलग होता है, लड़का वाला किन्नर अलग होता है, ठीक ना, उसका भी डिवीजन है। अब बॉडी अगर किन्नर का देखेंगे, कुछ लड़की का भी किन्नर होता है, कुछ लड़का में भी किन्नर होता है। हाफ बॉडी लड़की का रहेगा और शेष नहीं मिसिंग रहता है कुछ पार्ट, लड़का में भी कुछ लड़का का पार्ट रहेगा, कुछ मिसिंग रहता है, ठीक ना। तो वही चीज है, ये एक्चुअल में हम आपको लग रहा है कि वो है और ये सदिश नहीं हुआ। क्या वो है सदिश नहीं हुआ? आवेश है क्या? आवेश क्या है? आवेश एक्चुअल में आवेश को कोई दिशा नहीं है। आप आवेश पर गौर करेंगे तो आवेश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। आवेश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा और कुछ नहीं है। ऊर्जा क्या चीज अभी बताइए? तो आवेश नाम जबरदस्ती वो ले लिया है, ठीक ना, आवेश एक ऊर्जा है, ठीक ना। और आवेश भी चलने लगे एक एक सेकेंड में, एक एक सेकेंड में आवेश कितना चल रहा, तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश ही, आवेश तो ऊर्जा है। आवेश क्या है? आवेश कुछ नहीं है, एक प्रकार का ऊर्जा है। आप समझिए, ये आवेश में वो जबरदस्ती आया है, ये स्वतंत्र भौतिक राशि नहीं है, एक ऊर्जा का प्रकार आवेश है। और आवेश एक ऊर्जा ही है, और आवेश एक सेकंड में जितना चलने लगे उसी को विद्युत धारा कहते थे, ये भी आवेश हुआ ना हुआ। उसके बाद क्या, आवेश को लाने ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विभव है। सब तो आवेश का रूप है, और आवेश ऊर्जा है, ऊर्जा से सब निकला हुआ है। बात पूछे। और फिर आवृत्ति तो गिनती है, एक बार में प्रति सेकंड में दोलनों की संख्या का आवृत्ति कहते हैं, 20 दोलन, 50 दोलन, 100 दोलन, 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो गिनती कहीं सदिश राशि होगा, गिनती को दिशा होता है। आवृत्ति है क्या? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या है, संख्या है आवृत्ति। इसका तो बेसिक चीज है, केवल डेफिनेशन। घनत्व क्या है? द्रव्यमान है, एकांक आयतन का द्रव्यमान। तो बोलिए द्रव्यमान हो घर का, द्रव्यमान हो हिमालय पर्वत का, द्रव्यमान हो तो द्रव्यमान सदिश होगा का दिश होगा? द्रव्यमान में वो नहीं है, आधा वो नहीं देखना। देखिए आधा मतलब नहीं रखने बोले हम, द्रव्यमान ये अधिश राशि साहब है, क्योंकि वो नहीं है इसमें। बात बुझे, पूरा वो नहीं है, इसलिए ये क्या है? तो द्रव्यमान पहाड़ का कहे, पत्थर का कहे, एकांक आयतन का कहे, तो वो क्या होगा? तो यहाँ घनत्व है। एक्चुअल में घनत्व का डेफिनेशन आप जानेंगे तो ये द्रव्यमान ही है। घनत्व का डेफिनेशन क्या बता रहा है? द्रव्यमान ही है। तो द्रव्यमान क्या है? अधिश है, इसलिए अधिश है, बेचारा अपने जगह पर है ना। आवृत्ति एक गिनती है, दुनिया में कोई भी गिनती सदिश राशि नहीं होता है। आवृत्ति क्या? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। उसके बाद क्या? जड़त्व आघूर्ण, आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर है ना, यह भी द्रव्यमान है। जड़त्व आघूर्ण एक अपवाद के रूप में आपको याद रखना है कि जड़त्व आघूर्ण में वह भी है, भौतिक राशि भी है, ठीक ना, लेकिन यह क्या है? अधिश राशि है, क्योंकि इसको दिशा नहीं है, ठीक ना, यही है अपवाद। ये ओरिजिनल किन्नर तो ये है, ये सब तो कोई किन्नर था ही नहीं, ये तो आवेश। आप कंसेप्ट में जाइए, आवेश ऊर्जा है। आवेश क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा में कुछ नहीं है, ऊर्जा कुछ नहीं है, कहाँ है ऊर्जा? ऊर्जा कुछ नहीं है, ऊर्जा में न वो है न वो है, तो है। और वही आवेश जब चले रखता है एकांक सेकंड में विद्युत धारा बनता है, तो विद्युत धारा भी अधिश हो जाएगा। लेकिन विद्युत धारा केवल अधिश है, विद्युत धारा से बाकी कोई भी भौतिक राशि बनता है वो सब सदिश हो जाता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा क्या है? अधिश है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व कह दे तो वो क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा, यहाँ देखिए, क्योंकि वो बुलाया जाएगा। कहाँ है विद्युत धारा घनत्व? नहीं लिखा हूं तो लिख देता हूं, विद्युत धारा घनत्व। कोई दिक्कत? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है बहुत, जो कि कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। कंपटीशन में पूछा जाएगा केवल सिंपल, जो कि मेरा ट्रिक आपको कभी मिस नहीं होने देगा। बात बुझे? त्वरण, ये तो इससे कितना सुंदर राजा टॉपिक है रे। विस्थापन के बाद वेग, वेग के बाद त्वरण, वो साफ है रे, वो नहीं है एक्सीलरेशन, वो आया सदिश। आह, वो हमको ये ट्रिक देख के तो पूरा मजा आ गया। मजा वाला है ही कि वो वाला वो जितना आएगा सब क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा, सदिश आ जाएगा ना। अब दाब क्यों, दाब में वो है लेकिन ये अधिश क्यों है, ठीक ना। दाब में वो है, दाब में क्या है? वो है ना, दाब इधर लिख देता हूं, दाब यहां का है, एक सदिश का गुण है और अधिश में चला जाएगा, इधर नहीं।
ठीक ना। और क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में वो नहीं है फिर भी सदिश है। क्षेत्रफल क्या है? सदिश है। एक इंग्लिश याद रखिएगा, एरिया वेक्टर। क्या याद रखिएगा? एरिया वेक्टर। ये आईएससी में टॉपिक स्पेशल है, एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? डिफाइन इट। ठीक ना। एरिया वेक्टर वर्ड जैसे याद रखिएगा, एरिया के साथ वेक्टर आपको लग जाएगा। अब वेक्टर में सदिश होता है ना, एरिया वेक्टर सदिश। क्षेत्रफल क्या है और दाब क्या? ये दाब वो है लेकिन क्या है? अदिश है। वो रहते हुए क्या है? अदिश। क्यों? आप बेलून में हवा भरे, बेलून में एक जगह दाब डालिएगा, किधर किधर निकलेगा? चारों तरफ। तो उसका निश्चित दिशा नहीं है। कहीं आप दाब डालिए, देखिएगा चारों तरफ निकलेगा बेलून। कोई भी इस रूम में जो गैस है वो दाब डालती है किधर? चारों तरफ। कहीं उसका निश्चित दिशा नहीं होता है। ठीक ना। तो दाब का एक निश्चित दिशा नहीं है, इसीलिए क्या है? अदिश है। तो और अपवाद है, किन्नर है ये। ठीक ना। ये क्या है कि वो बौ होते हुए भी ये क्या है? अदिश है। इस प्रकार इसको आप समझ गए। आवृत्ति गिनती है, फिर बता रहा हूं, आवृत्ति गिनती है। घनत्व एकांक आयतन का द्रव्यमान है, ये भी तो द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अदिश। फिर आवेश में बोला ऊर्जा ही है, आवेश क्या है? ऊर्जा ही है। तो आवेश क्या हो जाएगा? जब एक प्रकार का ऊर्जा ही है तो ये क्या हो जाएगा? अदिश। फिर विद्युत धारा क्या चीज है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? तो आवेश ही प्रवाह की दर है। कोई दिक्कत? तो ये समझ गए। तो दाब क्या है? अपवाद है। क्या है दाब? अपवाद है। और एक बच्चा क्या बोल रहा था? अरे बलाघूर्ण ना। तो बलाघूर्ण में देखो नहीं है, बल आघूर्ण, ये भी एक भौतिक राशि है। अब बोलो वो है कि नहीं है? बल किसी प्रकार का बल कहे, किसी प्रकार का बल कहे, सब क्या हो जाएगा? सदिश। त्वरण में कोई भी त्वरण कहे, रैखिक त्वरण, रैखिक त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ये त्वरण जो है क्षैतिज वाला त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण है ऊर्ध्वाधर दिशा वाला त्वरण है ना। तो त्वरण किसी प्रकार का हो तो दोनों में तो वो है ना, वो है ना पूरा। तो ये क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। वो वाला सब क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। अब आवेश आप समझे, आवेश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, इसलिए क्या हो जाएगा? फिर विद्युत धारा क्या है? वही आवेश के प्रवाह की दर है। एक अंक सेकंड में जो आवेश बहा, अर्थात वो भी तो आवेश ही बहना हुआ। एक अंक सेकंड में जो आवेश बहेगा उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। तो ये भी तो ऊर्जा ही हुआ एक प्रकार का, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अदिश हो जाएगा। विभव, फिर ये है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को ले जाने का कार्य है विभव। ये सब को आप जानेंगे तो ये आराम से चले जाएगा फिर उधर अदिश में, क्योंकि आप देखेंगे ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा एक अंक सेकंड में प्रवाहित है, और ये ऊर्जा को लाने ले जाने में क्या क्या कार्य, उस आवेश को लाने ले जाने में क्या क्या कार्य है। और जड़त्व आघूर्ण जो है आई एम आर स्क्वायर है, ये मैं अपवाद में आपको बोला। आवृत्ति गिनती है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति है, जो कि गिनती कभी सदिश नहीं हो सकता। गिनती को दिशा से क्या मतलब है? आपको कहेगा 50 रुपया दूध, क्या कहिएगा? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, किधर दूं 50 रुपया? तो 50। तो ये सब कोई चीज गिनती को कोई दिशा नहीं है। घनत्व क्या है? ये एक अंक आयतन का द्रव्यमान है। और दो राशि अगर अदिश हो तो कभी उससे सदिश नहीं निकलेगा, जीवन भर याद रखना है। एक अंक आयतन का द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमानो अदिश, आयतन भी अदिश, तो कभी ये सदिश नहीं हो सकता है। दो अदिश राशि से कभी सदिश नहीं निकलता है। उसके बाद दाब, दाब जैसे ये देखिए, दाब क्यों सदिश है? जैसे ये है, हम इधर दाब डालते हैं एक तरफ है, देखिए चारों तरफ देखिएगा इसमें दाब निकलने लगता है, नहीं निकला, बदल रहा है चारों तरफ स्ट्रक्चर में। एक इसी जगह खाली जाता तब इसको सदिश कह देते, लेकिन जरा सा कहीं भी दाब डालते चारों तरफ दाब डाला जाता है। तो दाब का एक निश्चित दिशा नहीं है, दाब का एक निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए यह क्या है? अदिश है। क्या अक्षय जी, अब लब देख के हंस रहे हैं? हली जी समझ गए। तो इस प्रकार क्या है, ये अदिश राशि हो गया और ये सदिश हो गया। एरिया क्षेत्रफल अपवाद में है, ये किन्नर है कि इसमें वो नहीं है। क्षेत्रफल में वो नहीं है, फिर भी ये क्या है?
सदिश है, वो नहीं है फिर भी है। इसलिए क्षेत्रफल सदिश लगाइए, हमेशा आप आदत डाल लीजिए बोलने का, क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलना है? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल खाली बोलिएगा ही नहीं, क्षेत्रफल सदिश, कुछ बोलने से भी याद रह जाएगा। समझ में आया? तो बताइए मेरा ट्रिक कैसा लगा? यूनिक लगा होगा, मुझे विश्वास है। अगर नहीं लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यूनिक ट्रिक लगा अदिश सदिश का, तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलें। तो मैं इसी तरह का ट्रिक लेकर के आते रहूंगा। धन्यवाद।